नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ऑफिशियल खबर आ रही है यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। पूरी जानकारी बताऊंगा, देख सकते हो यहाँ पर RSMSSB का ये ट्विटर अकाउंट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो नीचे पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। देख सकते हो 1616 यहाँ पर फॉलोवर भी है, यानी कि ऑफिशियल ही है ये। तो पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। ये रही दोस्तों अभी हाल ही 18 मिनट पहले यहाँ पर ट्वीट किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कि जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली पशु परिचारक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी होगा। काम चल रहा है इस भर्ती पर, योग्यता 10वीं पास होगी और बिना CET के भर्ती होगी। दोस्तों आप देख सकते हो ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर यह खबर है 10:58 6 अक्टूबर 2023 की। और आप लोगों ने देखा होगा कल दोस्तों उपेन्द्र यादव भी दोस्तों कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड गया था और CMO गया था, तो उसको भी यही जानकारी मिली थी कि जो है विज्ञप्ति कल परसों में जारी हो जाएगी। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो अधिकारी वगैरह है उन्होंने भी यहाँ पर यही डाल रखी है कि जो है विज्ञप्ति जो है आपकी जारी हो जाएगी आचार संहिता से पहले। और आचार संहिता संडे को लग सकती है, सोमवार को लग सकती है, यानी कि विज्ञापन या तो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, या संडे को भी काम वाम चला तो रात में भी विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि सरकार को दोस्तों वोट चाहिए और वोट के लिए सरकार कुछ भी करेगी, अधिकारियों को रात में जगाएगी परंतु आपका विज्ञापन देगी। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए।